करनाल के घरोंडा से भी क्या तस्वीरें हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी विकास मेहला। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज रेल रोको अभियान का ऐलान किया गया था। 12 से 4 बजे तक रेल रोको अभियान का जो आह्वान किया गया था और उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि करनाल में भी जो रेलवे ट्रैक पर आप देख सकते हैं कि घरोंडा में करनाल के रेलवे ट्रैक पर जो किसान बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, यहीं पर दरी लेकर अपना किसान बैठ चुके हैं। पूरे 12 बजे यहाँ पर किसान बैठ चुके थे और 4 बजे तक बिल्कुल शांतिप्रिय तक बैठने का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया, क्योंकि जिस तरह से किसान लगातार अलग अलग तरीक़ों से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और आज रेल रोको अभियान के तहत यहां पर बैठे हैं। पहले पूरे देश भर में चक्का जाम रखा गया था, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे जाम रखे गए थे, शांतिप्रिय तरीके से वो बैठे थे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए किसान आपको किसान यूनियन का झंडा लेकर बैठे हुए नजर आए। कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहेंगे, कितने बजे तक बैठेंगे? हम जी 4 बजे तक बैठेंगे, बिल्कुल शांतिप्रिय बैठेंगे, बिल्कुल शांतिप्रिय। 12 बजे आ गए थे? हाँ 12 बजे, पूरे 12 बजे बैठ गए, 12 बजे आए, 4 बजे तक बैठे रहेंगे। क्या सर आप क्या बताना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 3 महीने टोटल से बैठे हो गए, 3 महीने हो गए वहाँ पर बैठे को, कुछ नहीं हुआ, सुनाई हुई अभी। हम तो 3 महीने यहाँ भी बैठ जाएंगे, जो हमारे किसान यूनियन हमारे प्रधान कहेंगे तो ये सरकार को मानना चाहिए। वैसे एक बात है, जितनी देर दिल्ली जाम नहीं होती ना, उतनी देर ये नहीं मानने का, हमारे को अब दिल्ली में जाना चाहिए। पहले चक्का जाम हो, आज रेल जाम, आज रेल जाम, पहले चक्का रेल जाम हो गई है। आज ये हमारे लीडर कहे ना, दिल्ली अंदर जाओ, इनका दूध सब्जियाँ बंद कर दो, हम तो बंद कर देंगे जब ये मानने का, वैसे नहीं मान रहा है भैया। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान लगातार बिल्कुल शांतिप्रिय से यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो चक्का जाम का आह्वान किया गया था, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे को जाम किया गया था, वहीं अगर आज बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था कि जो 12 से 4 बजे तक रेल रोको अभियान उनका जारी रहेगा, उसी के लेकर जो किसान आज रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, करनाल से जहाँ पर किसान काफ़ी संख्या में जो रेलवे ट्रैक पर पहुँच चुके हैं और 4 बजे तक बैठने की बात किसानों की तरफ से की जा रही है कि बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या किसान आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ता है, सरकार से बातचीत के दौर दोबारा से शुरू हो पाते हैं या नहीं। करनाल से विकास मेला, टोटल न्यूज़ करनाल।